सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हल्दर भास्कर अपने यूट्यूब चैनल न्यू टेक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर को बिना माउस पॉइंटर के कैसे चला सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ कंप्यूटर पीसी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बिना माउस के आप काम कर ही नहीं सकते। दोस्तों अगर हम काम करते करते हमारा माउस अचानक काम करना अगर बंद कर देता है तो हम सोचने पड़ जाते हैं कि अब काम कैसे होगा, अब काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका इलाज भी हमारे पास है। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल की घंटी को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम नई से नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले उस वीडियो को आप ही देख पाएं। तो चलिए दोस्तों समय बिना गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा माउस करना काम करना अगर बंद कर दे तो हम बिना माउस के भी काम चला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप अपने सिस्टम के अल्ट को दबाएं, अल्ट दबाइए और शिफ्ट दबाइए। जी हाँ दोस्तों, अल्ट दबाएं और शिफ्ट को दबाइए, दबा के रखें और नम लॉक को भी दबाएं, फिर छोड़ दें। उसके बाद ये आप ऑप्शन आपके पास आएगा, फिर ECS को क्लिक कर दीजिए या फिर इंटर बटन प्रेस कीजिए। ये रहा दोस्तों, अब हमारा माउस पॉइंटर बन गया है। लेकिन ये काम कैसे करेगा, माउस तो ओके हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये माउस ये नम लॉक जो नम बटन है न्यूमेरिक, उसमें ही काम करता है। ये 7 पे, ये देखिए ये 7 बटन को मैं जैसे ही दबा के रखा हूँ ये माउस तिरछा भाग रहा है। और उसके बाद अगर मैं 9 को दबाऊं, ये 9 बटन को दबाऊं, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये 2 नंबर को दबा रहा हूँ तो ये 2 नंबर में नीचे आएगा। वैसे ये 1 नंबर को दबाऊं, मतलब ये न्यूमेरिक में पूरा काम करेगा। आप जिस भी दिशा में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, जिस भी फोल्डर में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं आप दिशा देख कर। उसके बाद आपको क्लिक करना है उस फोल्डर को, जैसे अगर ओपन करना है तो आप जैसे ही इस फोल्डर में आएँ, अब ओके का काम ये 5 नंबर वाला बटन करेगा, इस 5 को आप क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक, ये फोल्डर खुल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा, आप बिना माउस पॉइंटर के भी माउस पॉइंटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।